दोस्तों अगर आप जियो एयरटेल बीएसएनएल या वोडाफोन या आइडिया अगर आप यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 21 दिनों तक अब आपकी वैलिडिटी बढ़ने वाली है। आपका चाहे जो भी पैक रिचार्ज प्लान जो भी हो दोस्तों 21 दिनों तक आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिश। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अभी अभी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है कि बढ़ सकती है आपके प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी। ट्राई की टेलीकॉम कंपनियों को एक चिट्ठी भेजी गई है, लेकिन दोस्तों चिट्ठी भेजने के कुछ ही घंटों के अंदर बीएसएनएल ने अपने सभी प्रीपेड यूजर्स की जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा दी है। साथ ही साथ दोस्तों उनके अकाउंट में 10 रुपए का टॉक टाइम भी दे दिया है, जिससे वो किसी को कॉल कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल तो भी वो तो रहेगी ही रहेगी, अब आउटगोइंग कॉल करने के लिए बीएसएनएल दे रहा है 10 रुपए का टॉक टाइम, प्लस दोस्तों 21 दिनों की वैलिडिटी इसने बढ़ा दी है। यानी कि ये वैलिडिटी आपकी होगी 20 अप्रैल तक की वैलिडिटी इन्होंने बढ़ा दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितना दिन लॉकडाउन रहेगा उतने दिन सभी कंपनियां आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी देंगी। साथ ही साथ दोस्तों जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया अभी इन कंपनियों के पास चिट्ठी पहुंचा है और ट्राई के तरफ से ये बोला गया है कि नेशनल लॉकडाउन के तहत आपको वैलिडिटी बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी वैलिडिटी आज समाप्त हो गई। अब बेचारे समझो ये जो लोग अप्लायन कर रहे हैं, दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, महाराष्ट्र से कोई इधर उधर सब लोग जा रहे हैं ना अपने अपने घर पे, तो हो सकता है किसी की रास्ते में वैलिडिटी ख़त्म हो जाए। अब रास्ते में वैलिडिटी ख़त्म हो जाए भैया, या तो कोई घर ही पे है उस वो रिचार्ज कहाँ से कराएगा, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, अगर पैसे नहीं है तो कहाँ से रिचार्ज कराएगा, काम आदमी कर नहीं रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो सरकार ने यही सोचा कि जो यूजर हैं इनको फ़ायदा होना चाहिए, अब फ़ायदा इसी तरह से होना चाहिए ताकि कोई असुविधा ना हो। सरकार वैसे तरह तरह की योजनाएं लेके आई हुई है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जियो एयरटेल आइडिया वोडाफोन इन कंपनियों का वैलिडिटी कब बढ़ेगी। दोस्तों एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल से ये आप लोगों को ये ऑफर प्रोवाइड कराएंगे।